बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद एनडीए और महागठबंधन आज एक बार फिर 17वीं बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष को लेकर आपस में टकराएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सर्वसम्मति नहीं होने पर अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एनडीए की ओर से विजय सिन्हा जबकि महागठबंधन से अवध बिहारी चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। यदि विपक्ष ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया तो मतदान से विधानसभा के नए अध्यक्ष का फैसला होगा। अब एनडीए उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा और महागठबंधन के कैंडिडेट अवध बिहारी चौधरी में कौन अगला विधानसभा अध्यक्ष होंगे, ये फैसला आज दोपहर तक हो जाएगा। वहीं राबड़ी आवास में मंगलवार की शाम हुई महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव ने सभी से एकजुटता के साथ अवध बिहारी चौधरी को जिताने की अपील की। उन्होंने बाकी विधायकों से दल से नहीं दिल से मतदान करने की अपील की। महागठबंधन की ओर से आज विधानसभा में मत विभाजन और गुप्त मतदान कराने के लिए दबाव बनाया जाएगा। राज्य समिति की बैठक होने के चलते भाकपा माले के विधायक बैठक में नहीं पहुंचे, तो हालांकि माले के विधायक दल के नेता अरुण सिंह ने व्हिप जारी किया है। बैठक के बाद राजद के मुख्य प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि जनादेश की चोरी करके सरकार तो बना ली, लेकिन अध्यक्ष महागठबंधन का ही बनेगा। हालांकि देखा जाए तो अध्यक्ष पद पर जीत का अंक गिनत एनडीए के पक्ष में है। मतदान के दौरान मतों के बिखराव को रोकने को लेकर दोनों घटक संजीदा है। मंगलवार को इसको लेकर दोनों ओर से बैठक कर रणनीति बनाई गई और घटक दलों ने व्हिप भी जारी कर दिए हैं। इकलौते निर्दलीय सुमित कुमार सिंह और लोजपा के एक विधायक का भी मत भाजपा उम्मीदवार को मिलने के आसार हैं। यदि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सर्वानुमति नहीं बनी और मतदान की नौबत आई तो यह तीसरी मर्तबा होगा जब विस अध्यक्ष पद के लिए बिहार विधानसभा चुनाव का गवाह बनेगा।